सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो दोस्तों। आज इस वीडियो में आज आप लोग को फेस स्मूथ कुछ इस तरह से आप लोग करना सिखाऊंगा दोस्तों। देख सकते हो मेरा फेस कितना बवाल फ्रेंड्स लग रहा है, बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में फेस स्मूथ में किया हूँ दोस्तों। एंड जो आप लोग को बैकग्राउंड दिख रहा है गाइज, बिल्कुल इस तरह से बैकग्राउंड एडिटिंग करना भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अगर वॉच करोगे दोस्तों तो बिल्कुल मेरी तरह फेस स्मूथ करना सीख जाओगे दोस्तों। देख सकते हो इतना बवाल लग रहा है दोस्तों मेरा फेस। एंड बिल्कुल सेम तरीके से सेम प्रोसेस से आप लोगों को मैं फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। एंड स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करोगे दोस्तों तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग भी फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। एंड देख सकते हो कितना बवाल लग रहा है गाइस फोटो मेरा, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। एंड बिफोर वाला फोटो आप लोग देख सकते हो गाइस कितना खराब भद्दा टाइप का लग रहा है, जो कि फ्रेंड बिल्कुल खराब लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो। एंड वही जो मैं एडिटिंग किया हूँ दोस्तों, देख सकते हो कितना बवाल लग रहा है, ऑसम टाइप का लग रहा है गाइज, बिल्कुल फेस स्मूथ भी बवाल हुआ है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोग को मैं नॉर्मल फोटो देख सकते हो, ये वाला जो मेरा नॉर्मल फोटो है। फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, आप लोग को फोटो को शेयर करके दोस्तों यहाँ पे पिक्स स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स पे आना है। तो यहाँ पे टूल्स पे आके दोस्तों आप लोग को उसके बाद ट्विन इमेज का आप लोग को सिंबल दिख रहा होगा, इस पे आना दोस्तों। एंड उसके बाद अपने फोटो के अनुसार पहले ब्राइटनेस में बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे मैं 17 बढ़ाया हूँ ब्राइटनेस। एंड कंट्रास्ट को मैं 20 माइनस किया हूँ। एंड सेचुरेशन को दोस्तों मैं 13 प्लस एंड एवियंस को भी दोस्तों 21 प्लस रखा हूँ, इतना आप लोग रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, फिर से टूल्स पर जाके आप लोगों को डिटेल्स को सिलेक्ट कीजिएगा। डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर को हल्का सा मैं इंक्रीज रखूँगा, 25 में रखा हूँ 22। एंड शार्पनिंग को भी हल्का 7 प्लस इतना रख लेने के बाद गाइस मैं फिर से टूल्स पर जाऊँगा। एंड टूल्स पर जाने के बाद दोस्तों इस पर आप लोग सेलेक्टिव को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड सेलेक्टिव सेलेक्ट करके दोस्तों आप लोग इस तरह से अपने फेस पर जहाँ ब्राइटनेस कम है वहाँ पर आप लोग इंक्रीज रखिएगा। तो मैं यहाँ पर 24 में रखा हूँ दोस्तों। एंड अपना हैंड की तरफ भी यहाँ पे मैं 21 रखा हूँ। एंड इस साइड दोस्तों मैं भी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 24 रखा हूँ। इतना आप लोग देख सकते हो बिफोर वाला जो हमारा फोटो देख सकते हो कैसा था एंड आफ्टर। उसके बाद आप लोगों को कहाँ करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर शेयर वाला आइकन पे आना है। एंड इस पर क्लिक करके दोस्तों ना आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चलना है, यहाँ पर इस फोटो को लेकर। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड्स इसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड रुकने के बाद दोस्तों ऊपर से जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फोटो जो इंपोर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जैसे फोटो पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करेगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग का फोटो इंपोर्ट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये हमारा फोटो है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक प्रीसेट मैं आप लोग को दूंगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो उस प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना वो भी प्रोसेस में लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मैं प्रीसेट दिखा देता हूँ अपना, जो कि मैं अपना बनाया हूँ, ये वाला देख सकते हो, तो ये हमारा प्रीसेट है दोस्तों। इसका फ्रेंड्स लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट और आप लोगों को क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पर आकर दोस्तों यहाँ पर कॉपी सेटिंग का आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो फोटो आप लोगों को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो पर आना है। एंड इसी सेम प्रोसेस से 3 डॉट पर जाना दोस्तों। एंड उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोग को 1 क्लिक में आप लोग का फोटो एडिटिंग हो जाएगा। जो जैसा प्रीसेट था गाइस बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप लोग का फोटो एडिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या करना है दोस्तों, इस फोटो को आप लोग को क्या करना है, एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद दोस्तों आप लोग को इफेक्ट्स पर जाना है। एंड इफेक्ट्स पर जाने के बाद दोस्तों आप लोग को टेक्स्चर को और इंक्रीज रखना है। एंड टेक्स्चर को इंक्रीज रखते हुए DH को भी हल्का इंक्रीज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हो कि टेक्सचर को 83 में रखा हूँ, DH को 63। उसके बाद देख सकते हो फोटो हमारा बिफोर वाला ऐसा था कुछ एंड आफ्टर ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, आप लोग को इस फोटो को सेव करना है। एंड सेव कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो में रेमनी चलाइएगा। तो यहाँ पर मैं रेमनी में फ्रेंड्स फोटो को शेयर करता हूँ, जब तक आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप लोग भी जानते हो कि इसमें ऐड वगैरह देखना पड़ता है, तो यहाँ पे हल्का सा प्रोसेस लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग हो गया है, तो यहाँ पे इसे मैं कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद दोस्तों मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। एंड इस फोटो को लेने के बाद दोस्तों इसे यहाँ पे इनहेंस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड वगैरह पूरा देख लेता हूँ।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने ऐड वगैरह पूरा देख लिया, तो मैंने इस पे फोटो पे रेमनी चला दिया। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप लोगों को फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो गाइस, मैंने फोटो को सेव कर लिया है। तो इस फोटो को आप लोगों को सेव करके दोस्तों आप लोगों को स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं स्केचबुक में आप लोगों को फेस स्मूथ करना सिखा दूंगा फ्रेंड्स की। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फोटो को इसमें शेयर करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप लोग पेंसिल वाले आइकन पर आइएगा दोस्तों, एंड यहाँ पे आप लोगों को जो मैं ब्रश बताऊंगा वही वाला आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्मज दिख रहा होगा, स्पंज वाला ये वाला जो ब्रश है दोस्तों, स्मज का फ्रेंड्स सेकेंड वाला ब्रश आप लोगों को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, दोनों एक एक रखना है फ्रेंड्स आप लोग को। एंड उसके बाद फेस स्मूथ आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, उस जब भी फेस स्मूथ करना दोस्तों, तो आप लोग हेड के अनुसार ऊपर से शुरू करना, तो आप लोगों को फोटो और बवाल अच्छे तरीके से मतलब होगा आसानी से। एंड दोस्तों ये फेस स्मूथ के बाद फ्रेंड्स आप लोगों का स्टेप ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे और आप लोग को स्टेप है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बार मैं और फोटो को लाइटरूम में शेयर करूँगा, एंड एक बार पिक्सआर्ट में, उसके बाद देखना दोस्तों फोटो जो जैसा आप लोगों को मैं फ़ोटो दिखाया था बिल्कुल वैसा फ़ोटो एडिटिंग आप लोगों को मैं करके सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। एंड दोस्तों आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आप लोग को मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग फॉलो करके मुझे फ्रेंड्स आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लेना। एंड यहाँ पे मैं लगभग फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फेस स्मूथ कर लेता हूँ। एंड इस बरस से दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बवाल तरीके से आप लोगों को फेस स्मूथ होगा। यहाँ पे तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड, नहीं तो क्या कहते हैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा होगा तो फिर देखने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लगभग मैं कर देता हूँ जो कि काम चल सके, तो मैं इतना मैं कर दिया हूँ दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, फ़ोटो को सेव करके मैं इसे शेयर करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं गैलरी में आ जाता हूँ दोस्तों, एंड गैलरी में आ जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्केचबुक में आ जाता हूँ, ये मेरा स्केचबुक है। उसके बाद मैं इसे फ़ोटो को शेयर करके लेके चलता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। जैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को मैं ऊपर रेड लाइट लगाया था, तो यहाँ पे जानते हो फ्रेंड्स कि आप लोग स्टिकर पे आके यहाँ पे रेड लाइट सर्च मारोगे लाइट, उसके बाद दोस्तों आप लोग सर्च मार दोगे। उसके बाद ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है ना दोस्तों, इसको आप लोग को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को ब्लेंड पे आके नीचे स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद ऊपर के साइड कुछ इस टाइप का आप लोगों को लगा देना, उसके बाद डन करके दोस्तों फिर से स्टिकर पर जाना है। एंड स्टिकर पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को ब्लैक लाइन सर्च मारना है, ब्लैक लाइन। जैसे ही ब्लैक लाइन सर्च मारोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस टाइप के यहाँ पे लगाइएगा, उसके बाद डन करके दोस्तों आप लोगों को फोटो को सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद दोस्तों मैं फिर से गैलरी में जाऊँगा, एंड गैलरी में जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा फ़ोटो रेड लाइट ऊपर लगाया था वाला आ गया है। उसके बाद इस फोटो को मैं फिर से लेके जाऊँगा दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अब खेल फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जैसे मैं आप लोगों को फेस स्मूथ किया था ना, बिल्कुल लाइटरूम से भी थोड़ा बहुत होता है फेस स्मूथ। तो यहाँ पर कैसे होता है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला मेरा फोटो है गाइज, तो फोटो ये वाला हमारा है। उसको एडिट पे जाओगे, उसको कलर वाले ऑप्शन पे जाके दोस्तों आप लोग हल्का सा टेम्परेचर देख सकते हो, 17 माइनस में रखा हूँ दोस्तों, इतना मैं रखूँगा 19 माइनस। देखो बिफोर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टिंट को भी हल्का माइनस रखूँगा 14 माइनस। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, वाइब्रेंस को मैं हल्का इनक्रीज रखूँगा 14 प्लस, उसका सैचुरेशन को भी 7 प्लस, एंड टेम्परेचर को मैं और कम करूँगा 29। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स पाने के बाद इसका टेक्सचर को मैं इंक्रीज रखूँगा। उसके बाद मैं कैलरिटी को भी इसका इंक्रीज रखूँगा दोस्तों, उसके बाद डीएच को भी इंक्रीज रखूँगा, सॉरी दोस्तों कैलरिटी को मैं कम रखूँगा, तो यहाँ पे फेस स्मूथ और बवाल होगा देख सकते हो। पहले फ्रेंड्स इस तरह से कैलरिटी था, तो हमारा फेस थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा था। उसके बाद कैलरिटी जैसे ही कम करता हूँ देख सकते हो फोटो कितना स्मूथ हो रहा है देख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों ना, वीनेट पैक इसका अमाउंट थोड़ा कम करूँगा। उसके बाद देखो गाइज आप लोग फोटो देखो, बिफोर वाला देख तो उसके बाद आफ्टर, कितना बवाल लग रहा है गाइज हमारा फोटो। जैसा आप लोगों को फोटो दिखाया था गाइज बिल्कुल वैसा फोटो एडिटिंग करके मैं सिखा दिया हूँ।
एंड दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट का बहुत जरूरत है गाइस, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर देना दोस्तों। इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ प्रीसेट का, प्रीसेट कैसे डाउनलोड करता हूँ वो मैं बता दूंगा दोस्तों। कैसे करना आप लोगों को, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आप लोग को। तो जैसे रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करेगा दोस्तों ना, वहाँ पर आप लोग को यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगा तो वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्लिक करेगा तो आप लोग को प्रीसेट वाला डाउनलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस से मैं हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स कि प्रीसेट कैसे डाउनलोड करता हूँ, तो आप लोगों में आसानी से वो वाला प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।